तो अब तक भैया कैसा लग रहा है आपको ट्रैक्टर ये देख के? भाई देखो जेन्युइन में बताऊँ ना तो मतलब है तो महिंद्रा का अर्जुन ही है। अच्छा, लेकिन ये गाड़ी देख के ना जो 5 रुपए पे आता था मतलब एक पुराना और अपनेपन का फील आता है। अब तो यार मॉडर्न इतना बना दिया है मतलब लाइट वाइट लगा के, लेकिन जेन्युइन की अगर बात की जाए ना तो लगता है कि हाँ कुछ है। अच्छा, ठीक है, मतलब देख के लग जाता है, कुछ फील आ जाती है। भाई मैं सच में बताऊँ, मैं इधर से जा रहा था यहाँ रुक के और मैं आपको लेके आया हूँ। हेलो किसान भाई, मैं रंजीत, आज लेके आया हिंदुस्तान का 60 HP का ट्रैक्टर है हमारे सामने। 60 साल से पहले आ रहा ट्रैक्टर, जब यहाँ पे इंडिया में नहीं बनता था उससे पहले से ही बाहर से ये ट्रैक्टर आता था। उसके बाद तो ये ट्रैक्टर इसी मॉडल का इंजन गेयरबक्सा सेम टू सेम सब मिला के अर्जुन महिंद्रा में आना चालू हो गया है। तो महिंद्रा का जैसे 57 HP का अर्जुन जो अल्ट्रा है वैसे इसी का कॉपी अर्जुन अल्ट्रा है। तो आप देख सकते हो कुछ यही है और हम इसके बारे में थोड़ा सा, तो जैसे इस साइड देख सकते हो इसमें वही 57 HP वाला इंजन दिया हुआ है 3034 CC का और 4 सिलेंडर में ये बनाया है पूरा। मतलब इसमें बॉस का इनलाइन पंप के साथ में ये पूरा फिटिंग की गई है आप देख सकते हो। और इसे 6 साल की इसमें गारंटी मिलती है, जैसे इंजन की और गेयर बैक्स की पूरी 6 साल की गारंटी मिलती है। बाकी अदर चीज़ का कोई गारंटी होता नहीं, जैसे टायर हो गया तो इसका कोई गारंटी होता नहीं है, सो हो गया आप पलटा दिए कुछ भी कर दिए उसकी तो गारंटी होती नहीं है। तो फ्रंट टायर की बात कर लें तो फ्रंट टायर इसमें 750/16 के दिए हुए हैं यहाँ पे। और अगर रियर टायर देखें तो रियर टायर काफ़ी बड़े दिख रहे हैं आपको, बट इसमें MRF के 16x28 के टायर दिए हुए हैं, यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे 16x28। और ये जैसे अर्जुन का ही, मतलब आप अर्जुन अभी देख रहे हैं जल्दी जल्दी से अर्जुन, तो अर्जुन की कॉपी लग रही होगी। तो सेम टू सेम जैसे रीम वगैरह जो भी है सब अर्जुन की तरह लग रहा है। और बाकी यहाँ से देख सकते हो इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा जैसे यहाँ पे, और ये पावर स्टीयरिंग डुबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में यहाँ पे, जैसे कि कुछ ट्रैक्टरों में आप देखते होंगे साइड से स्टीयरिंग चलता है, जो कि एक साइड से ही चलता है यहाँ पे, ऐसे इस साइड से लगा रहता है। तो ये यहाँ से लेकर नीचे से एक रॉड लगा रहता है जो दोनों पहियों को बराबर घुमाती रहती है। और इसमें जैसे डुबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में, तो ये ट्रैक्टर क्या रहता है, एक साइड से इधर सिलेंडर निकलता है, आधा सिलेंडर इधर निकलता है, तो इसकी कटाव भी काफ़ी बढ़िया से होती है और स्टीयरिंग काफ़ी दिन तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान का देख सकते हो पूरा, मतलब कि लोगो वगैरह लगा हुआ है। तो महिंद्रा में तो यहाँ पे महिंद्रा का लोगो आता है, दूसरा डिजाइन भी आता है। मेडगार्ड देखें तो जैसे अर्जुन में आता है वैसे सेम टू सेम है। तो और देख सकते हो इसमें बैटरी भी साइड में मिल जाएगी आपको, 90 Ah की बैटरी मिल जाएगी इसमें, जैसे कि यहाँ पे। और देख सकते हो ये ऑयल फिल्टर है, ये भी पेंटेड है, इसे कंपनी अपना लगा के देती है, तो ये भी वैसे ही है। इसमें डबल पंप मिल जाएंगे, एक हाइड्रोलिक का पंप इधर लगा हुआ है, इस इधर पावर स्टीयरिंग का पंप, दोनों में आप देख सकते हो। मतलब दोनों कुछ ट्रैक्टरों में अलग अलग आता है, इसमें मिला के दोनों में आपस में है, मतलब एक ही क्राउन से पूरा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर साइलेंसर भी देखें तो साइलेंसर भी अर्जुन की तरह ही है, मतलब SWD सीरीज का ये ट्रैक्टर है। और अगर हम ऊपर से दिखाएं तो जैसे ऊपर से हम दिखा रहे हैं, तो ऊपर से चढ़ने के लिए आपको एक स्टेप मिल जाएगा, इसके बाद फिर जैसे यहाँ पे पूरा बीच में आपको साइड सीट के व्यास होने कारण पूरा बीच में आपको जगह काफ़ी मिल जाएगी। और इस टाइम डिलक्स सीट के साथ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इस पर बैठ कर दिखाएं तो मतलब इसका ऊपर से बैठने के बाद पूरा मीटर और जो इसका शो है वो पूरा प्लेन टाइप का है। और इसमें यहाँ पर आपको टेम्परेचर का मीटर मिल जाएगा, यहाँ पर आप बैटरी इंडिकेटर, जैसे आप बैटरी जब चालू करेंगे स्विच, तो जब चालू करेंगे तो इंडिकेटर हट जाएगा। और यहाँ फ्यूल मीटर और यहाँ पे RPM मीटर दिया हुआ है। और ये ऑयल प्रेशर का मीटर है, जैसे कि जो इंजन में ऑयल कम हो जाएगा यहाँ पे वो बताएगा। बाकी आपको हैंड एक्सेट के साथ में मिल जाएगा। और यहाँ पे जैसे साइड ग्लास दिया हुआ है, तो ये भी काफ़ी सही रहता है किसानों के लिए, पीछे अगर कुछ गाड़ी वगैरह आ रही है तो देखने के लिए काफ़ी सही रहता है। इसमें देख सकते हो एक साइड में आपको 4 गियर अगाड़ी और रिवर्स दिया हुआ है, और इस साइड में आपको लोहाई का गियर मिल जाएगा जो कि साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ में आता है। और इसमें पीटो की बात कर लें तो फॉरवर्ड और रिवर्स पीटो होता है, जैसे कि आप पे 540 फॉरवर्ड और 540 रिवर्स पीटो मिल जाएगा। और कंपनी अब यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर लगा के देने से चालू कर दी है, जो कि पहले अर्जुन में नहीं आता था। और इसका लीवर यहाँ से पूरा कंट्रोलिंग करके नीचे से ऐसे रॉड लगा के यहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे किसानों को चलाने के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है। तो ये अप डाउन करने के लिए, जैसे कि आप ट्राली वगैरह चलाते हैं या कुछ भी हैवी काम कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी सही रहता है। बाकी यहाँ पे पोजीशन कंट्रोल लीवर और डेप्थ कंट्रोल, मतलब कि ये गहराई सेट करने के लिए जो होता है लीवर वो, बाकी ये आपको हाइड्रोलिक ऊपर नीचे करने के लिए मिल जाएगा। और इसमें पूरा मतलब बीच में काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, यहाँ पर आयल में डूबे हुए ब्रेक मिल जाएंगे इसमें, वो डबल क्लच के साथ में आता है, मतलब डुअल क्लच के साथ में होता है। डबल क्लच भाई जो साइड में इंडिपेंडेंट क्लच पीटीओ देता है उसमें डबल क्लच होता है, इसमें डुअल क्लच दिया हुआ जो कि क्लच पैडल से ही इसका आपका पीटीओ भी चलेगा और मेन भी चलेगा। और इसमें जैसे और एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे इंजन बंद करने के लिए स्विच मिल जाएगा, यहाँ पे लाइट की स्विचें मिल जाएंगी। और दूसरे साइड देख सकते हो यहाँ पे इंडिकेटर स्विच, बाकी यहाँ पे आपको पार्किंग स्विच मिल जाएगा।
और पीछे से देख सकते हो ये 1800 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी इसके साथ मिल जाएगी और 48 एचपी का पीटीओ इसमें मिल जाएगा। और पीछे से देखो इसमें सिंगल सेंसिंग के साथ में दी हुई है, स्वराज के सोनालिका कुछ गाड़ियों में आप तीन सेंसिंग देती है, सॉफ्ट मिट्टी, हार्ड मिट्टी और नॉर्मल मिट्टी के साथ में। इसका ऐसा चीज सिस्टम किया कि एक ही सेंसिंग से पूरा, मतलब आपको हार्ड मिट्टी रहे या नॉर्मल मिट्टी रहे सब में चलाओ कोई दिक्कत नहीं आता है। और यहाँ पे आपको डबल क्यू ज्वाल के साथ में मिल जाएगा, जैसे आप हैवी उपकरण यूज करते हैं तो आपको ये आवश्यकता लगता है तो आप इसमें यूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देख सकते हो एक बैकलाइट में साथ में आता है आपको कंपनी फिटेड ही, क्योंकि कुछ लाइटें यहाँ पे देती है इसमें दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है और ये बैकलाइट है। और बाकी देख सकते हो पीछे से कुछ इस तरह का है, काफी हैवी लोडेड बनाया गया है ट्रैक्टर। इसे पीछे से देख सकते हो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मेडगार्ड आप अंदर बाहर कर सकते हैं, अगर टायर जैसे कुछ लोग टायर को चौड़ा करके चलाते हैं तो मेडगार्ड को आप अंदर कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का है और यहाँ पे मतलब आपको हाइड्रोलिक के लिए काफी बड़ा सा फिल्टर मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे मतलब जैसे कि इसका जो स्टीयरिंग का ऑयल है और हाइड्रोलिक का दोनों एक ही जगह जाता है और जो अर्जुन का आता है वो अलग से आता है, मतलब अलग से उसमें लगा होता है, तो कुछ यही है। और इसमें यहाँ पे डिफेंशन लॉक के साथ में मिल जाएगा, ये जैसे कि आपको कहीं कीचड़ वगैरह में अगर ट्रैक्टर फंस रहा है तो आप डिफेंशन लॉक को यूज करके आप आराम से बाहर निकल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रंट से यहाँ पे एक लाइट मिल जाएगी। बाकी आजकल के ट्रैक्टरों में लाइट अंदर शो के अंदर फिटेड मिल जाती है, बल्कि इसमें साइड सेफ्टी मिल जाएगा, क्योंकि पहले से जैसे आता था उसी टाइप का आज भी बना रहा है ट्रैक्टर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एडजस्टर बीम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि एडजस्टर बीम पहले नहीं आता था, आज भी वैसे बना रहा है जैसे बना रहा है। बाकी यहाँ पे आपको वेट मिल जाएगा एक्स्ट्रा, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है, जैसे कि आपका ट्रैक्टर ऊपर से कम उठेगा। आपको यहाँ पर डीजल के लिए पूरा फिल्टर चेंज मिल जाएगा, जैसे कि कुछ ट्रैक्टर में आता है ना अलग से जाली चेंज होती है, इसका पूरा फिल्टर ही चेंज हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है उसकी चाबी, मतलब कि जो कि अर्जुन में लगता है वैसे ही चाबी है, महिंद्रा का है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की लिमिटेड ये मतलब बनाई गई है, तो इसमें हम चाबी लगा के इसको दिखाते हैं, मतलब इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको कैसा क्या है। तो यहाँ पे इसकी चाबी लग जाएगी, तो आप चाबी लगा के जब ऑन करेंगे यहाँ पे तो पूरा जितना मीटर है सब एक साइड में जल जाएगा। और अगर इसको चालू करना है तो आपको लोहाई वाले गियर में न्यूट्रल करना पड़ता है, तो अब यहाँ से हमने न्यूट्रल कर दिया इसको। इसको चालू करते हैं और साउंड क्वालिटी सुनाते हैं, इसके अर्जुन की तरह ही है कि कुछ एक्सचेंज किया गया है। तो यहाँ पे चालू करते हैं, मतलब आवाज़ भी एकदम अर्जुन की तरह ही है, एकदम जैसे कि अर्जुन जो आवाज़ नवाइस निकालती है वैसे ही ये भी निकाल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे वैसे लोहाई का गियर आपको न्यूट्रल करके ही चालू करना पड़ेगा। और इसको बंद करने के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाएगी और इस पर देख सकते हो RPM वगैरह ये जो भी चलता है, और यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। बाकी कुछ यही था वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।